गाइस, तो प्रोपेलर शाफ्ट हम स्टार्ट कर। प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है? ट्रांसमिशन का हमारा ये आई थिंक 29th ये लेक्चर है। सबसे पहले हम प्रोपेलर शाफ्ट, जिसको हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। अब देखो, ये प्रोपेलर शाफ्ट को हम बहुत अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे ड्राइव शाफ्ट, ड्राइव शाफ्ट भी इसे बोलते हैं। ठीक है, सो प्रोपेलर शाफ्ट है क्या? अ शाफ्ट ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम एन इंजन टू अ प्रोपेलर और टू द व्हील ऑफ अ मोटर व्हीकल इज कॉल्ड प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट को हम दो तीन नाम से भी जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया ड्राइव शाफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कहाँ? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कार दिख रहा है आपको, ये पीछे वाला जो है, ये क्या डिफरेंशियल गियर, मैं सब कलर चेंज कर लू एक्चुअली। ये जो है हमारा, ये है डिफरेंशियल गियर बॉक्स। इसी गियर बॉक्स से हमारा जो पीछे वाला व्हील है वो कनेक्ट होता है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशियल गियर बॉक्स है, इंजन तो रहता है हमारा यहाँ, यहाँ इंजन से डिफरेंशियल तक पावर को कैसे ट्रांसमिट करें? पावर अगर हम डिफरेंशियल तक ट्रांसफर कर दिए, तो डिफरेंशियल गियर्स वगैरह लगे, इसी से कनेक्ट है हमारा एक्सल, रियर एक्सल, तो हमारा डायरेक्ट व्हील पे जो है पावर ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, बट हम इंजन से अपने ड्राइव शाफ्ट तक पावर सप्लाई कैसे कर रहे हैं? तो उसके लिए बीच में हम क्लच वगैरह यूज करते हैं, क्लच के बाद हम गियर बॉक्स यूज करते हैं, गियर बॉक्स के बाद फिर हम यूनिवर्सल जॉइंट की कपलिंग बनाते हैं और उससे अपने शाफ्ट को जॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये इस डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट कहाँ है? ये जो शाफ्ट आपको दिख रहा है, ये शाफ्ट, दिस इज कॉल्ड अ प्रोपेलर शाफ्ट। क्या करता है? इंजन को हमारे व्हील के ड्राइव से, ये दिस इज व्हील ड्राइव, व्हील के ड्राइव से जोड़ना और पावर ट्रांसमिट करना फ्रॉम द इंजन टू द ड्राइव इज कॉल्ड प्रोपेलर शाफ्ट, ड्राइव शाफ्ट। इतना क्लियर है? हम और भी बहुत कुछ इस पे डिस्कस करने वाले हैं। ये तो वैसे पता ही होगा, प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट की कनेक्शन कैसे होता है, किस मटेरियल का बनता है प्रोपेलर शाफ्ट, कौन से प्रोसेस से बनता है, ये सब हम देखने वाले हैं। कितना टॉर्क ट्रांसमिट होगा, ये हम काफी डिटेल में देखेंगे। क्लियर है इस लेक्चर में प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में? बस स्टार्टिंग में अभी आपको इतना जानना है, प्रोपेलर शाफ्ट को हम ड्राइव शाफ्ट भी कहते हैं। क्या होता है प्रोपेलर शाफ्ट? अ शाफ्ट, वो शाफ्ट जो पावर को ट्रांसमिट करता है इंजन से आपके प्रोपेलर तक, मतलब आपके व्हील तक, उसको, वो जो शाफ्ट है उस शाफ्ट को हम कहते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है, नाउ अगर नेक्स्ट डायग्राम देखोगे, ये मैंने एक कनेक्शन बनाया है यहाँ पे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, ये हमारा इंजन है। ठीक है, इंजन का जो ये वाला पार्ट है, इसी पार्ट में यहां से शाफ्ट आता है, इससे कनेक्ट होता है आपका, दिस इज गियर बॉक्स। ये गियर बॉक्स कनेक्ट होता है, गियर बॉक्स में देखोगे स्प्लाइन कटा हुआ यहाँ पे। ठीक है, गियर बॉक्स में यहाँ पे देखो आपका स्प्लाइन कटा हुआ, इस स्प्लाइन जो कट है, इस स्प्लाइन कट में, और ये देखो ये होल देखो यहाँ पे, यहाँ भी स्प्लाइन कटा हुआ है, इसको सेट, इसको इसमें हम सेट करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा गियर बॉक्स रोटेट होगा तो हमारा ये शाफ्ट भी रोटेट होगा, इसी शाफ्ट में हमारा कनेक्ट होता है यूनिवर्सल ज्वाइंट, दिस इज द यूनिवर्सल ज्वाइंट। ठीक है, अब इस यूनिवर्सल ज्वाइंट जो हमारा गियर बॉक्स से निकला है जस्ट, उसमें हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरा यूनिवर्सल ज्वाइंट जो कि हमारा ये है, और इस यूनिवर्सल ज्वाइंट में हमारा कनेक्ट क्या रहता है, दिस इज कॉल्ड प्रोपेलर शाफ्ट और ड्राइव शाफ्ट। ठीक है, यहां भी प्रोपेलर आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट होगा और एक यहां भी यूनिवर्सल ज्वाइंट होगा जो आपका डिफरेंशियल बॉक्स से कनेक्ट करता है, दिस इज डिफरेंशियल बॉक्स। ठीक है, उसके ये सब गियर्स हैं, ये गियर नंबर वन, गियर नंबर टू, गियर नंबर थ्री, गियर नंबर फोर, और ये हो गया आपका व्हील। ठीक है, दिस इज रियर व्हील। तो कैसे पावर ट्रांसमिट हो रहा है, दिख रहा है, ये हमारा इंजन है, इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट निकल रहा है, इस क्रैंक शाफ्ट में हमारा क्लच, बीच में एक्चुअली क्लच भी रहता है, यहाँ पे क्लच भी रहता है, क्लच कनेक्ट होता है, क्लच से हमारा गियर बॉक्स कनेक्ट होता है, गियर बॉक्स से, गियर बॉक्स का जो शाफ्ट है जिसपे स्प्लाइन कटी होती है, उससे एक हमारी इंटरमीडिएट शाफ्ट, इस शाफ्ट को कहते हैं इंटरमीडिएट शाफ्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट शाफ्ट कनेक्ट होता है, इसी इंटरमीडिएट शाफ्ट में हमारा होता है यूनिवर्सल ज्वाइंट। ठीक है, एक यूनिवर्सल ज्वाइंट इंटरमीडिएट शाफ्ट पे आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा यूनिवर्सल ज्वाइंट जो इसमें कनेक्ट होगा वो मिलता है आपके मेन प्रोपेलर शाफ्ट पे, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा।
और इसका दूसरा एंड है प्रोपेलर शाफ्ट का, वो डिफरेंशियल डिफरेंशियल से कनेक्ट हो जाता है, और ऐसे इंजन से आपके व्हील तक पावर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इंजन से व्हील तक आपका पावर ट्रांसमिट होता है, दिस इज पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन। ठीक है, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा प्रोपेलर शाफ्ट कैसा है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ यूनिवर्सल ज्वाइंट बनाया है, हम डिटेल करें। यूनिवर्सल ये आपका जो दिख रहा है, दिस इज यूनिवर्सल ज्वाइंट। ठीक है, ये भी आपका यूनिवर्सल, ये जो यूनिवर्सल ज्वाइंट है ये जनरली मारुति 800 की स्टेयरिंग सिस्टम में मिलेगा। ठीक है, स्टेयरिंग सिस्टम में, मारुति 800 के स्टेयरिंग सिस्टम में ऐसा आपको दिखेगा। जैसे इस साइड भी हमारा शाफ्ट है, सॉरी दिस इज यूनिवर्सल ज्वाइंट, इधर भी यूनिवर्सल ज्वाइंट रहता है और इधर भी यूनिवर्सल ज्वाइंट रहता है। तो हमारा जो प्रोपेलर शाफ्ट था वो भी तो ऐसा होता है। ठीक है, ये प्रोपेलर शाफ्ट हुआ, इस प्रोपेलर शाफ्ट में यहाँ भी यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है और इस एंड पे भी यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है। ठीक है, इस एंड का जो दूसरा यूनिवर्सल ज्वाइंट होगा वो कनेक्ट करता है हमारे इंजन को, और इधर का जो दूसरा डिफरेंशियल बॉक्स है वो शाफ्ट के थ्रू डिफरेंशियल को कनेक्ट करता है। दिस इज प्रोपेलर शाफ्ट। क्लियर है, तो ये देखो आप ध्यान से देखोगे, अब ये जो हमारा यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है ये देखो कुछ इस तरीके का यूनिवर्सल ज्वाइंट है, ये हमारा पिन है। ठीक है, ये नकल की तरह होगा यूनिवर्सल ज्वाइंट, ये जो पार्ट है इसको यहाँ सेंटर में सेट करते हैं, इसके ये और ये साइड हमारा ये दोनों ऐड होगा, ये और ये साइड आपने जो आपका जो प्रोपेलर शाफ्ट का जो एंड आ रहा है वो अटैच हो जाता है। ठीक है, इस दोनों पार्ट में आपका क्या अटैच हो जाता हो जाएगा, जो इंजन से पावर, इंजन से जो शाफ्ट आ रहा है उसका नकल ज्वाइंट, और ये जो है ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा आपके प्रोपेलर शाफ्ट के, ऐसे पावर ट्रांसमिट होता है। अगर हम और बात करें यूनिवर्सल ज्वाइंट में, तो यूनिवर्सल ज्वाइंट की अगर आप डिटेल देखोगे, फॉर एग्जाम्पल क्यों हम यूनिवर्सल ज्वाइंट यूज करते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट स्ट्रेट होता है, पहली बात जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है वो स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट टॉर्क को ट्रांसमिट करेगा, स्ट्रेट टॉर्क को ट्रांसमिट करेगा। तो अगर इंजन, ये हमारा इंजन हो गया, और इंजन का जो शाफ्ट है, इंजन का जो शाफ्ट है उसकी एक्सिस हमारी ये हो गई। ठीक है, और आपका फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशियल बॉक्स यहाँ है, क्लियर है, उसकी एक्सिस ये है, तो आप कैसे यहां से यहाँ पावर कैसे ट्रांसमिट करेंगे, तो हम ये यूनिवर्सल ज्वाइंट यूज करते हैं। क्या होता है यूनिवर्सल ज्वाइंट में, आप इसको मूव कर सकते हो इस डायरेक्शन चारों डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हो। तो अगर एक्सिस पैरेलल है, एक्सिस आपका पैरेलल है बट कौन से, मतलब एक सेम एक्सिस पे नहीं है, कोई भी शाफ्ट की एक्सिस अगर सेम नहीं है, तो उनको पावर ट्रांसमिट करने के लिए एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट के लिए हम यूनिवर्सल ज्वाइंट का यूज करते हैं। जनरली जो यूनिवर्सल ज्वाइंट है वो हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, कास्ट आयरन का हमारा यूनिवर्सल ज्वाइंट बना होता है, और आप अभी जो कुछ एडवांस आने लगे हैं वो स्टील का भी बना रहेगा। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं अपने यूनिवर्सल ज्वाइंट को, यूनिवर्सल ज्वाइंट को हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग। ठीक है, कास्टिंग की हेल्प से हम इसका पूरा ये जो ढांचा है इसका कास्टिंग की हेल्प से रेडी करते हैं, उसके बाद उसको मशीनिंग करते हैं। ठीक है, मशीनिंग करके हम अपना यूनिवर्सल ज्वाइंट को रेडी करते हैं। क्लियर है, अब अगर आप प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में देखोगे तो ये देखो ये रहा आपका मेन प्रोपेलर शाफ्ट, इसके सारे पार्ट्स का नाम है, दिस इज यूनिवर्सल ज्वाइंट। ठीक है, इसमें जो पिन लगे हैं, सील रिटेनर, रबर सील, जो सील वगैरह दिख रहा है ना ज्वाइंट करने के लिए, का ताकि कोई वो ना हो, नीले हो गया, लॉक रिंग हो गया। क्लियर है, ये हो गया फ्रंट प्रोपेलर शाफ्ट, दिस इज फ्रंट प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है, और दिस इज रियर प्रोपेलर शाफ्ट। दो पार्ट में भी ऐसा होता है कि हमारा बटा रहता है प्रोपेलर शाफ्ट, ट्रांसमिशन एक्सटेंशन हाउसिंग, ये क्या हमारा गियर बॉक्स है, देखो यहाँ पे गियर बॉक्स से पावर ट्रांसमिट हो रहा है, ये हमारा इंटरमीडिएट शाफ्ट, ये हमारा यूनिवर्सल ज्वाइंट है, दिस इज यूनिवर्सल ज्वाइंट, और उससे हमारा मेन शाफ्ट कनेक्ट है, और ये बियरिंग हेल्प के थ्रू हमारा पावर ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, दो तीन टाइप में हम पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो इसीलिए फ्रंट प्रोपेलर शाफ्ट क्यों बोल रहे हैं हम, जनरली ये अगर दो पार्ट में यूज कर रहे हैं अपने प्रोपेलर शाफ्ट को, काफी लंबा यूज कर रहे हैं, तो आगे वाले पार्ट को हम बोलते हैं फ्रंट प्रोपेलर शाफ्ट, और उसी के जो ये जो पार्ट है लॉक रिटेनर, इसमें हम कनेक्ट करते हैं इस ग्रूव को, और इस ग्रूव को फर्दर कनेक्ट कर हम कास्टिंग
कनेक्ट फाइनल अपने जो डिफरेंशियल बॉक्स है वहां तक पावर ट्रांसमिट करते हैं। ये अलग अलग पार्ट्स है, इस पार्ट्स के बारे में आप देख रहे हो कौन कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं। जनरली आपके एग्जाम्स में ऐसा इतना लेवलिंग करके नहीं पूछेगा बनाने के लिए, ठीक है। शॉर्ट में लेवलिंग करना है वो मैं एक डायग्राम आपको अभी दिखा रहा हूँ, आप उसको बना देना, उसको उतना पार्ट दो तीन पार्ट लेवल कर देना, आपका काम हो जाएगा ना। अब बात करते हैं जो हमारा प्रोपेलर शाफ्ट है वो कैसे कौन से मटेरियल से, जनरली कास्ट आयरन, कास्ट आयरन और हम स्टील का यूज करते हैं, फोर्ज स्टील का, ठीक है। फोर्ज स्टील का हम यूज करते हैं अपना प्रोपेलर शाफ्ट को रेडी करने में। प्रोसेस कौन कौन सा यूज करते हैं, सबसे पहले हम कास्टिंग करते हैं, ठीक है। प्रोपेलर शाफ्ट की हम कास्टिंग करते हैं, उसके बाद उस पे लेथ से लेथ टर्निंग करते हैं, से हम जनरल लेथ मशीनिंग करते हैं, क्लियर है। मशीनिंग विद द हेल्प ऑफ लेथ मशीन, ठीक है। तो हम कास्टिंग करेंगे, कास्टिंग करने से हमें एक हो सकता है रेक्टेंगुलर, या हो सकता है अच्छी कास्टिंग किया है आपने तो सर्कुलर आपको एक प्रोपेलर एक शाफ्ट मिल जाएगा। उस शाफ्ट पे फर्दर मशीनिंग करोगे, पहले लेथ पे मशीनिंग करोगे तो जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर हो जाएगा, शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर हो जाएगा। उसके बाद उस पे स्प्लाइन वगैरह काट कटिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ मिलिंग, विद द हेल्प ऑफ मिलिंग की हेल्प से आप उस पे कटिंग कर सकते हो। होल वगैरह करना है तो आप ड्रिलिंग की हेल्प से होल रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हमारा प्रोसेस है। जनरली हमारा कास्ट आयरन और स्टील का ही बनता है, क्योंकि हमें प्रोपेलर शाफ्ट में एक तो हमें स्ट्रेंथ चाहिए जो कास्ट आयरन प्रोवाइड करता है, और थोड़ी सी इलास्टिसिटी भी चाहिए, ठीक है। तो कास्ट आयरन और स्टील आपका एज कंपेयर टू, दोनों की बात करें, कंपेयर की बात करें कास्ट आयरन और स्टील की, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बट अपनी अपनी प्लेस पे देखें तो कास्ट आयरन भी छोटे मोटे जो गाड़ियां होती है कम वो वाली, तो जनरली उसमें हम स्टील का और मिक्सर यूज करते हैं। एक्चुअली स्टील और जिंक का मिक्स बनता है हमारा शाफ्ट, और जब ट्रक वगैरह में देखें तो हमारा हमेशा कास्ट आयरन में थोड़ा बहुत एक दो कंपोजिशन और मिलाकर हम अपना प्रोपेलर शाफ्ट रेडी करते हैं। क्योंकि प्रोपेलर शाफ्ट हमें क्या क्या, एक तो टॉर्क, टॉर्क ट्रांसमिट होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट, सबसे बड़ा फैक्टर है टॉर्क ट्रांसमिटर। टॉर्क ट्रांसमिट होता है तो जाहिर सी बात है हमें इलास्टिसिटी चाहिए, इलास्टिसिटी चाहिए, साथ में स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो उसके लिए जो मटेरियल चूज करना है वो बहुत जरूरी है, तो कास्ट आयरन और स्टील बेस्ट होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे कि हमारा कैसे प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है, प्रोपेलर शाफ्ट कैसे है, ये अरेंजमेंट इसकी असेंबली कैसे होती है, कौन से पार्ट्स को कैसे एक पार्ट दूसरे पार्ट से कैसे कनेक्ट होता है। उसके बाद हमने देखा यूनिवर्सल ज्वाइंट कैसे काम होता है, कब हम यूनिवर्सल ज्वाइंट करते हैं, जब पावर ट्रांसमिट करना हो बट एक्सिस मैच ना कर रहा होता है, एक्सिस जब मैच नहीं करता है तब हम यूनिवर्सल ज्वाइंट करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल ज्वाइंट चारों डायरेक्शन में मूव हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल ज्वाइंट के कुछ पार्ट्स हमने देखा, यहाँ पे यूनिवर्सल ज्वाइंट के पार्ट्स ये है। आप मैं इसको अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से देख लो सारे पार्ट्स, ठीक है। ये सारे पार्ट्स यहाँ पे मैंने जूम कर दिया है, आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है, पार्ट्स को देख सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोपेलर शाफ्ट की जो नेमिंग के लिए मैं बोला था टाइप्स ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट, तो ये जो नेमिंग दिख रहा है आप इसको यूज कर सकते हो एग्जाम में, प्रोपेलर शाफ्ट के में अगर आया तो आप थोड़ा बहुत नेमिंग कर कर ये डायग्राम बना सकते हो आप, क्लियर है। इनमें से आप कोई भी डायग्राम बना देना, स्टार्टिंग में अगर आपको अच्छा खासा लिखना है यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम्स वगैरह हैं तो उनमें क्या क्या कर सकते हो आप, सबसे अच्छा थोड़ा बहुत प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में लिख दो, प्रोपेलर शाफ्ट कहाँ लगा होता है, ऐसा ये कार का फोटो ड्राइंग बनाकर आपको बताना है कि दिस इज द प्रोपेलर शाफ्ट, क्लियर है, दिस इज इंजन प्रोपेलर शाफ्ट एंड दिस इज डिफरेंशियल एंड फ्रॉम इंजन टू द डिफरेंशियल पावर ट्रांसमिटेड बाय द प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। इन विच दे आर द प्रोपेलर शाफ्ट आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल ज्वाइंट, यूनिवर्सल ज्वाइंट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम हुक्स ज्वाइंट्स भी कहते हैं, ठीक है, हुक्स ज्वाइंट भी कहते हैं यूनिवर्सल ज्वाइंट को, क्लियर है। तो ये जो हमारा ग्रूव है यहाँ पे स्पाइन्स कटा, देखो शाफ्ट पे जो ये दिस इज इंटरमीडिएट शाफ्ट, इंटरमीडिएट शाफ्ट पे स्पाइन कटे हुए हैं, ठीक है, और ये हमारा डायरेक्ट कनेक्ट है इंटरनली स्पाइन बूस्ट गियर बॉक्स के एंड से, क्लियर है। फिर ये हमारा यूनिवर्सल ज्वाइंट हो गया, ये हमारा प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, और ये हमारा डिफरेंशियल
गियर से डायरेक्ट जाके कनेक्ट होता है। ठीक है, देख लो, एक तो सॉलिड प्रोपेलर शाफ्ट भी होता है, कुछ कुछ शाफ्ट हमारे जो होते हैं प्रोपेलर शाफ्ट वो सॉलिड भी होता है, कुछ शाफ्ट हमारे हॉलो भी होते हैं, हॉलो ट्यूब के भी अंदर से हॉलो होता है, उसको रबर की कोटिंग वगैरह भी होती है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। हॉलो ट्यूब जो है जनरली जब हमें टॉर्क ज्यादा ट्रांसमिट करना पड़ता है हम वहां यूज करते हैं, और अगर आप ट्रक्स वगैरह देखोगे, बड़े बड़े जो ट्रक्स वगैरह हो गए जहाँ पावर बहुत ज्यादा ट्रांसमिट करना पड़ता है, तो हम सॉलिड की जगह पे हम हॉलो शाफ्ट का यूज करते हैं। हॉलो शाफ्ट का यूज करने से क्या होता है, हॉलो शाफ्ट में एक खासियत ये है, जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड शाफ्ट। सॉलिड शाफ्ट में जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो ज्यादा होता है, इजिली सॉलिड शाफ्ट बेंड हो जाता है, बट अगर हॉलो शाफ्ट की बात करोगे उसकी स्टिफनेस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, तो जहां पे टॉर्क ज्यादा ट्रांसमिट करना पड़ता है, हैवी व्हीकल्स हैं वहां पे हम ये हॉलो शाफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में जो भी डिटेल्स वगैरह होगा क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम है प्रोपेलर शाफ्ट को, डीप में अगर जानना चाहो तो आप ये सब पार्ट्स वगैरह देख सकते हो। ये मैंने अरेंजमेंट बताई थी, एंड फाइनल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था प्रोपेलर शाफ्ट कहाँ लगा होता है, क्या होता है, हाउ कैन ट्रांसमिट पावर फ्रॉम इंजन टू द मोटर। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ओके।